हाय फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड करें तथा उसमें करेक्शन कैसे करें। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन गया है और उसमें कोई त्रुटि है या सुधार करना चाहते हैं तो हम आज आपको बताने वाले हैं। चलिए फिर हम ई श्रम कार्ड बनाने के लिए अपना क्रोम खोलते हैं। आप भी अपना क्रोम चालू कीजिए। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए अपना क्रोम ओपन करेंगे। यहाँ टास्क बॉक्स में जाके ई श्रम डालेंगे। सर्च बॉक्स में जाके ई श्रम लिखेंगे। देखिए होम पेज आ गया ई श्रम का, इस पे हम क्लिक करेंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं ई श्रम का फायदा। अगर आपका ई श्रम कार्ड बन गया है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। साथ ही डाउनलोड करना भी चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे लिखा है ना, इस पर रजिस्ट्रेशन करें, यहीं पे डाउनलोड भी होगा, यहीं पे अपडेट भी होगा। ठीक है, हम फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे अब बता दे रहे हम आपको, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होता है लिंक, मोबाइल नंबर चाहिए, उस पर ओटीपी जाएगा। साथ में एक कस्टमर का अकाउंट नंबर चाहिए, जो आपका अकाउंट नंबर हो। अगर उसका एज भी है, जो 16 साल से लेके 59 साल के बीच में जो भी हो, उनका ई श्रम कार्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, ईपीएफ अगर उनका पीएफ कटता है, जो जिसका भी ई श्रम कार्ड बन रहा है उनका अगर पीएफ कटता है तो उनका ई श्रम कार्ड नहीं बन सकता है। पीएफ का इंश्योरेंस है भी तभी भी नहीं बन सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड करें। यहाँ पे जो आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे हम लोग। ओटीपी सेंड पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आ गया, हम सबमिट करेंगे। अब आपका ओटीपी आएगा तो आप डाल को सबमिट कीजिए। अब यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन इसको एग्री करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहीं पे देखिए आपको अगर प्रोफाइल अपडेट करना है या आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपना ई श्रम कार्ड, अगर प्रोफाइल अपडेट करना है तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल अपडेट, अपडेट प्रोफाइल। अगर ई श्रम कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड करना चाहिए। करें, देखिए यहाँ पे आ गया ई श्रम कार्ड डाउनलोड करें। यहाँ से हम ई श्रम कार्ड डाउनलोड भी कर लेंगे। डाउनलोड यूएन कार्ड, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम बैक करते हैं, आपको बताते हैं इस पे कैसे अप्लाई, इसका प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। ठीक है, अब प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। एड्रेस अपडेट करना है तो सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे। एजुकेशनल या इनकम सर्टिफिकेट में कोई भी अपडेट करना है तो आपको थर्ड वाले पे। ऑक्यूपेशन या स्किल में अपडेट करना है तो फोर्थ वाले पे। अकाउंट नंबर आपको बदलना है तो सेकंड लास्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप सब अपडेट कर लिए उसको देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें तो कोई बदलना नहीं है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही। आप चाहें तो आप बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बैक करते हैं। अब जैसे हमको, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं प्रोफाइल अपडेट करना है तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, जो जो चीज भी डालेंगे उसके बाद से यहाँ पे अपडेट अपडेट होगा, उस पर अपडेट पे क्लिक कर देंगे, अपडेट हमारा हो जाएगा। उसके बाद से लास्ट में जाके फिर जैसे जैसे बताए वैसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कुछ भी हो, आप कुछ भी, कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको डाउट है हमसे बोलिए, हम आपको बताएंगे कैसे उसको, हम आपका गाइडर बनेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच, लव यू गाइस।